Hey you guys, welcome to new video. Guys, today we are talking about Bajaj NH250 model, जिसके नाम के आगे अभी भी लगा हुआ है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते कि भाई बजाज NH जो 250 मॉडल है वो बजाज की तरफ से कब लॉन्च किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि NH200 तो वैसी मार्केट में छाई हुई है और आप लोग चाहते हैं कि हमें 250 सेगमेंट में भी NH200 दिखना चाहिए, यानी कि NH250 दिखना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे बजाज NH250 BS6 मॉडल कब तक लॉन्च हो सकती है, क्या प्राइस होंगे, क्या पावर होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारी साइट का रिसर्च किया, मैंने बहुत सारी साइट ओपन की, वहां से थोड़े थोड़े डेटा कलेक्ट किए, उसके बाद मैं आज आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जो कि 110% सही हो सकती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी साइट्स होती है, जो ऑटोमोबाइल के बड़े नॉलेज बंदे होते हैं, वो चीज इस चीज को एक्यूरेट निकाल लेते हैं, सही बताते हैं। तो वहां से मैं वो चीजें लेकर आया हूं और आज आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रह सकेंगे और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सकेंगे। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते मेरे भाई। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं NH250 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे कि बाइक लॉन्च कब तक होगी। देखिए, मैं अगर आप लोगों को बताऊं लिटरली, तो ये बाइक ना, अगर COVID-19 नहीं आता तो ये बाइक अब तक लॉन्च हो चुकी होती, क्योंकि यार मैं बहुत दिनों से बजाज वालों के पास से ही सुन रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा काम है यूट्यूब में वीडियो बनाना, तो मैं रोज आए दिन बाइक के वीडियो बनाने जाते रहता हूँ। तो वहां से जब मैंने उन लोग से पूछा था, तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि ये बाइक आपको 2020 के अगस्त में देखने को मिल सकती है, जब COVID-19 नहीं आया था। उसके बाद जब COVID-19 आया, तो भाई बहुत सारी ऐसी बाइक्स है जो लॉन्च होने वाली थी, COVID-19 की वजह से कंपनीज की तरफ से लॉन्च नहीं कर पाई, इस वजह से 250 NH भी नहीं आई। अब मैंने उन्होंने से पूछा, तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि ये बाइक आप लोगों को नेक्स्ट ईयर मार्च के आसपास देखने को मिल सकती है। जी हाँ, मार्च में आप लोगों को ये बाइक देखने को मिल सकती है। वह इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, तो जैसे आप लोगों को पता है कि RS 200 जो है वो आप लोगों को 1,70,000 में मिलती है, डोमिनार जो 250 मॉडल है 1,88,000 रुपीज के आसपास की मिलती है, तो ये बाइक आप लोगों को 1,75,000 या 1,80,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी बजाज के तरफ से। बात कर लेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें सेम आप लोगों को NS की तरह इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि लिक्विड कूल DTSI टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा। साथ में दोस्तों, इस व्हीकल में आप लोगों को 30 BHP के आसपास का पावर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 30 BHP, साथ में 24 या 23 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क आपको इस व्हीकल में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करेंगे लाइट के बारे में, तो वो आप लोगों को सेम NH200 की तरह देखने को मिलेगा, साथ में डिजिटल मीटर देखने को मिल सकता है, जो कि अभी की बजाज की गाड़ियों में देखने को नहीं मिला। ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें आप लोगों को डिजिटल मीटर देखने को मिल सकता है, बजाज इसमें काम कर रहा है। साथ में LED लाइट्स और हो सकता है कि LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि सेम RS 200 और Duke 200 में देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों, बात कर लेंगे इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 110% डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, जो कि NH200 पे देखने को नहीं मिलता। साथ में दोस्तों, इस व्हीकल में आप लोगों को गियर इंडिकेटर देखने को भी मिल जाएगा, जो कि अभी बजाज की गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो कि आप चाहते हैं कि 220 में हो, NH200 में हो, तो गियर इंडिकेटर भी आपको इस व्हीकल में देखने को मिलेगा BS6 मॉडल में, या हो सकता है BS8 मॉडल में। वही दोस्तों, कलर्स के बारे में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये बाइक येलो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखने को मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, बात कर लेंगे इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड होगी वो 150-160 के आसपास की देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों, इस बाइक में आप लोगों को 35 या 30 के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाएगा, जो सेम एज इट इज ड्यूक 250 में देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक में आप लोगों को Duke 250 का इंजन देखने को मिल सकता है बजाज की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बजाज एंड KTM इंडिया पे मर्ज हुई कंपनीज है, तो हो सकता है कि Duke 250 का इंजन ही आपको NH250 में देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये बाइक अगले साल मार्च में लॉन्च हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके।